भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुख की योजना महिलाओं के लिए परेशानी की योजना बन गई है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आने था तब तो ये बड़े बड़े वायदे करते थे कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए देंगे। प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बघेल जी, साथ में राजीव जी और मुकेश अग्निहोत्री, सब आकर ये बोलते थे कि पहली कैबिनेट आएगी और हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। पर अब क्या हो रहा है, इनके मंत्री जो कि सोलन से वास्ता रखते हैं शांडिल जी, वो कहते हैं कि प्रत्येक महिला को नहीं, अब घर में एक ही महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। पहले तो जब ये योजना लेके आए तो ये सुख की योजना तो महिलाओं के लिए परेशानी की योजना बन गई। उसके उपरांत आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इसके अंदर ऐसे रूल्स लगाए कि हिमाचल प्रदेश की आधी से ज़्यादा महिलाएं तो भारी हो गई। अब देखिए कैसी विडंबना है कि 788,000 महिलाएं जो है वो 1500 के लिए अप्लाई करती है और उसके उपरांत केवल मात्र 23,000 महिलाओं को जो है ये 1500 रुपये दिए जाते हैं। ऊपर से 2300 महिलाओं के तो रद्द भी हो गए फॉर्म। अब चुनाव जब आता है तो इन्हें वायदे करते हैं, पर ये पलटू राम की जो सरकार है हमेशा पलटने का काम ही करती है। आप देखेंगे कि इन्होंने 4500 रुपए जमा कराए महिलाओं के खाते में, अब जो है अफसरों को बोल रहे हो वापस लेकर आओ। तो कैसी विडंबना है, जहां महिलाओं को इन्होंने वादे किए थे और जब उन्होंने उस टाइम बोला था कि हम 22 लाख महिलाओं को जो है 1500 रुपए देंगे, और इनके एक नेता है, एक मंत्री है, वो तो सीधा कहते थे घर में एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, हम प्रत्येक को 1500 देंगे। और आज जो है इससे पलटे ही जा रहे हैं। तो पलटू राम की सरकार जो है ये सुख कब देगी, इसके इंतजार में जो है आज की डेट में हमारी प्रदेश की सारी महिलाएं और बहनें जो है वो इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।